बात करते हैं अहम खबर से। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता विनय कटियार की तरफ से एक बार फिर एक विवादित बयान सामने आया है। मॉब लिंचिंग के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए विनय कटियार ने कहा कि अगर गायों की हत्या होगी तो लिंचिंग भी होगी। बीजेपी नेता का यह कहना है कि लोगों में जागरूकता बढ़ी है और ऐसी चीजों पर लोग अपना गुस्सा नहीं रोक पाते। उन्होंने ये भी कहा कि गाय की हत्या उचित नहीं है, ऐसे में लोग प्रतिक्रिया भी देंगे। साथ ही विनय कटियार ने मुस्लिम समाज के लोगों को नसीहत भी दी कि वो जहां चाहें वहां गाय लेकर ना जाएं, क्योंकि लोगों में गुस्सा है, इसको देखते हुए सभी की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। मुसलमान समाज को भी सोचना चाहिए कि अब गाय की हत्या नहीं हो सकती। अगर गाय की हत्या होगी तो लोगों में जागरूकता आई है तो लिंचिंग की घटनाएं बढ़ेंगी, ये उचित नहीं है। लेकिन ये भी उचित नहीं है कि गाय की हत्या कर दी जाए और उस पर लोग ना बोलें। तो ये भी समझना चाहिए, मुसलमानों को भी समझना चाहिए कि गाय वगैरह जो है वो उसको सब जगह जहाँ चाहे मन चाहे लेकर चले जाएं, ये स्थिति नहीं बनती। कारण है राजस्थान हुआ, पंजाब हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, से लेकर के बंगाल आसाम तक सब गाय की हत्या होने लग गई है, तो उस पर लोग क्रोधित हैं, तो नहीं होना चाहिए। ये भी बात सही है, तो एक दूसरे लोगों की भावनाओं का आदर करना चाहिए। तो विनय कटियार का ये पूरा बयान आपने सुना। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से समीर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। समीर जी, ये पूरा बयान हमने आपको सुनाया, विनय कटियार की तरफ से बयान सामने आया है, कहा गया अगर गौ हत्या होगी तो लिंचिंग भी होगी, कितना समर्थन करते हैं, कैसा रिएक्शन आपका? नहीं देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सरकार इस पर प्रतिबद्ध है कि कहीं भी गायों की हत्या ना हो और पुलिस का राज है। पिछली सरकारों में कुछ घटनाएं हुई थी जिनके नाते ऐसी परिस्थिति पैदा हुई थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से पुलिस प्रभावी कार्रवाई कर रही है और कहीं भी ऐसी तस्करी और इस प्रकार की घटनाएं न होने के नाते ऐसी कोई गुंजाइश उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं। विनय कटियार जी ने जो बयान दिया उसका समर्थन करते हैं आप? नहीं देखिए, विनय कटियार जी ने जो बयान दिया है वो साफ रूप से कहा है कि गो हत्याएं नहीं होनी चाहिए जी। तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि गाय हमारे गो हमारी एजेंडे में है और हत्याएं नहीं होनी चाहिए, देश के अंदर भी नहीं होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश तो खास करके नहीं। विनय कटियार जी ने ये भी कहा है अगर गौ हत्या होगी तो लिंचिंग भी होगी, मतलब मारे जाएंगे लोग, सड़कों पर उतर कर मारेंगे, जागरूक हैं, कहीं भी गाय को लेकर मत जाएं। उन्होंने ये कहा है कि कहीं ना कहीं इसको मुस्लिम समाज को भावनाओं का ख्याल करना चाहिए, जिस को हिंदू समाज अपनी माँ की तरह मानता है उनके साथ उनको इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए और उनको अपने विचारों में बदलाव लाना चाहिए। कहीं ना कहीं जागरूकता की बात कही है और जागरूकता निश्चित रूप से सब समाज में हो रही है, हिंदू समाज में भी हो रही है और मुस्लिम समाज में भी हो रही है कि निश्चित रूप से उनको हमारी भावनाओं का ख्याल करना चाहिए और हमको उनकी भावनाओं का ख्याल। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। और आप ये कह रहे हैं कि जो विनय कटियार जी ने कहा है कि गौ हत्या ना की जाए। इधर मॉब लिंचिंग को लेकर एक और बयान आया, संघ के नेता इंद्रेश कुमार ने भी बयान दिया और उसके बाद विवाद शुरू हो गया। राजस्थान के अलवर में गौ तस्करी के शक में रकबर खान की पीट पीट कर हत्या के सवाल पर इंद्रेश कुमार ने कहा कि मॉब लिंचिंग की निंदा की जानी चाहिए लेकिन लोग गाय का मांस खाना बंद कर दें तो इस तरह के अपराधों पर लगाम लग जाएगी। दुनिया के जितने भी धर्म हैं, पंथ हैं, उसके किसी एक धर्म स्थल पर बता दो, किसी एक धर्म में गाय का वध होता, चर्च में होता, मस्जिद में होता, दरगाह में होता, गुरुद्वारे में, गंभा में होता, मंदिर में होता, आश्रम में होता, राजा स्वामी निरंकार में नहीं होता। दूसरी बात, ईसा जब धरती पर आए तो गौशाला में आए, इसलिए वहाँ मदर काउ बोला जाता है। मक्का शरीफ और मदीना शरीफ में गाय का वध अपराध माना जाता है, भारत के किसी धर्म स्थल में होता नहीं। तीसरी बात, दुनिया की सबसे बेस्ट सेइंग है, एवरी बॉर्न बेबी हैज हिज ओन मदर और हर मदर, परंतु दुनिया के सब बच्चों की गाय एक माँ है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, वैज्ञानिक ट्रूथ है, क्योंकि जिस बच्चे को माँ का दूध नहीं मिलता उसके गाय के दूध से होती है। तो मेरा ये कहना है, ये अपराध जगत बढ़ाते रहने का काम
ना कानून ने करना चाहिए, ना जनता ने करना चाहिए, ना हमने करना चाहिए, ना मीडिया ने करना चाहिए और ना सरकार ने करना चाहिए, इसको किसने करना चाहिए। इसलिए गाय जिसके दूध से, जिसके गोबर से, जिसके मूत्र से, जिसकी और सांस से सब प्राणी मात्र का हल होता है, उसकी वध नहीं होगा, उसकी रक्षा और सेवा होगी, वो उसका गोश्त नहीं खाया जाएगा, उसका दूध पिया जाएगा। तो यह जो भारत में और विश्व में शैतान का अपराध बढ़ रहा है, ये सब रोका जा सकता है। उसका हल सबसे बड़ा यह, अगर नहीं करेंगे तो जो जो इस गंदगी को फैलाने के लोग हैं वो सब कसूरवार हैं, एक कसूरवार नहीं है सर। आखिरकार जो गाय सबका पालन करती है, जिसके लिए दुनिया का कोई धर्म मुझे आकर कह दे कि हमारे धर्म में ये बाइबल में लिखा है, ये कुरान में लिखा है, गीता में लिखा है, त्रिपिटक में लिखा है, ये आगम में लिखा है, ये श्री गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, ये सत्यार्थ प्रश्न है कि गाय का वध करो और खाओ, नहीं है। फिर ये जो कर रहे हैं, क्या हम सब मिलकर ये संकल्प नहीं कर सकते कि धरा को और मानवता को इस पाप और अपराध से मुक्त कराया जाए। तो इंद्रेश कुमार का ये पूरा बयान सुना आपने, संघ के नेता हैं, बड़े नेता हैं। अशोक सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। अशोक जी हमारे साथ, समीर जी मौजूद हैं बीजेपी की तरफ से। विनय कटियार साहब ने बयान दिया, इंद्रेश कुमार जी ने बयान दिया और विनय कटियार जी के बयान से मिलता तो बयान वो दे रहे हैं, कह रहे हैं हाँ देखिए विनय कटियार जी ने सही बात कही, कुछ गलत नहीं कहा है। आपका रिएक्शन कांग्रेस पार्टी का स्टैंड? देखिए धर्म के ठेकेदार की जो परिभाषा भारतीय जनता पार्टी अब इस बिंदु पर सर देश के सामने सौंपना चाहती है, मुझे लगता है सब राम भी अपने हैं, रहीम भी अपने हैं, सारी चीजें देश संविधान से चलेगा, विनय कटियार के बयान से नहीं चलेगा। विनय कटियार तय नहीं करेंगे कि क्या कर, देश में जिस तरीके का डर जैसा माहौल पैदा कर दिया केंद्र में से मोदी सरकार आने के बाद, आप जो चाहे जिसको मार दे, जिसका नाम ले, कुछ भी कर दीजिए, देश में कानून की चीज है कि नहीं है? विनय कटियार देश कानून से बड़े हो गए या तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े हो गए? नहीं तो वो ये कह रहे हैं कि देखिए गाय खाना लोग बंद कर दे, लिंचिंग अपने आप बंद हो जाएगी, इस पर क्या सोचना आपका स्टैंड आपकी पार्टी का? भारतीय जनता पार्टी के नेता बीप का कारोबार कर रहे हैं, सबसे ज्यादा वो बड़े नेता है उनके, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये तय करने वाले देश संविधान से क्यों नहीं कानून ला रही है सरकार, कौन रोक इस बात का है कि देश में चूंकि सर 4-5 महीने बाद चुनाव है, दरकती जमीन को बचाने के लिए इस तरह के बयान समाज को तोड़ने मरोड़ने का जिस तरीके का प्रयास कर रहे हैं, सवाल इस बात का उठता है। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने अपनी अपनी पार्टी का स्टैंड इस पर रखा।